प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट से पहले आज नीति आयोग में विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि वो देश का अर्थव्यवस्था, जीडीपी ग्रोथ रेट और मौजूदा आर्थिक हालातों की लेकर चर्चा भी करेंगे। बजट से पहले और सांख्यिकी मंत्रालय की जीडीपी को लेकर जारी पूर्वानुमान से पहले ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। मोदी सरकार 2020 से 21 के बजट की तैयारी कर रही है। आम बजट 1 फरवरी 2020 को पेश होना है। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति पर पीएम मोदी की तरफ से अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा होगी। तो 1 फरवरी 2020 के में जो बजट पेश होने जा रहा है उसको लेकर यहां पर चर्चा नीति आयोग के साथ, जिसमें अर्थशास्त्री मौजूद रहेंगे। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी, क्योंकि अभी अगर अर्थव्यवस्था पर नजर डाली जाए तो बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था यहां पर नहीं चल रही है। और ऐसे में अब और लगातार विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। तो अब ये इसी बीच पीएम मोदी की तरफ से ये बैठक, और जिसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा होगी। 1 फरवरी 2020 को पेश होना है आम बजट, उससे पहले अर्थशास्त्रियों के साथ ये बैठक पीएम मोदी की। इस बैठक में अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से अर्थव्यवस्था लगातार जो गिर रही है उसकी वजह क्या है, कैसे इसको उठाया जा सकता है, और जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है उसको किस तरह से दूर किया जाना है। क्योंकि एक लक्ष्य जो है 5 ट्रिलियन का लेकर मोदी सरकार चल रही है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित दुबे भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, आज 2020-21 के बजट की तैयारी में पूरी तरह से सरकार है, और बजट पेश होने से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक। मान लगाया है कि जीडीपी इस साल जो है अभी पहली तिमाही में 5% रहने वाली है, तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सरकार जो है वो 5 ट्रिलियन की बात कर रही है, और ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए इसे लेकर प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोगों से सुझाव मांगे थे, क्योंकि इस साल बजट आने वाला है, उस बजट की तैयारियां जो है खुद वित्त मंत्री द्वारा की जा रही है, ना सिर्फ जाने माने विशेषज्ञों से बल्कि सभी प्रदेशों के वित्त मंत्री और अन्य अर्थशास्त्रियों से भी राय ली गई है, और उस राय शुमारी को आज प्रधानमंत्री की बैठक में भी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री खुद अर्थव्यवस्था को लेके आज अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेंगे, और कैसे इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अंजाम दिया जाए इसके लेके सभी से यहाँ पे वार्ता होगी। हाँ बिल्कुल। और अमित, जिस तरह से अभी फिलहाल अर्थव्यवस्था पर नजर डाली जाए तो बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था यहाँ पर नहीं चल रही, और लगातार इस मुद्दे को लेकर भी जो विपक्ष है वो हमलावर है। और ऐसे में जो एजेंडा यहाँ पर अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने साफ किया था सरकार में आने के बाद, सरकार में आने से पहले, तो कहीं ना कहीं चुनौती फिलहाल बनी हुई है, और शायद उस लिहाज से भी आज की बैठक काफी अहम। अमित जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज यही है, क्योंकि पिछले साल की अगर बात की जाए तो अर्थव्यवस्था का जो गिरना चालू हुआ था, जिस वजह से जीडीपी लगातार गिर रही थी, चाहे औद्योगिक की बात करें या अन्य औद्योगिक बात करें, लगातार हरेक में गिरावट दर्ज की गई। हर यहाँ तक कि कई कारपोरेट जगत की इंडस्ट्री जैसी है जिनमें कई % की गिरावट जो है वो दर्ज की गई, जिसके वजह से अर्थव्यवस्था पे लगातार फर्क पड़ रहा है। यही बड़ी वजह है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके साथ इससे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने बैठक की थी, और अब अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक होगी, जिससे कि इस रणनीति पर चर्चा होगी कि कैसे अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, क्योंकि लगातार सरकार जो है वो 5 ट्रिलियन का प्रयास कर रही है, और ऐसे में जीडीपी का गिरना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, और यही वजह है कि विपक्ष से लेकर लगातार हंगामा कर रहा है। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।